सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा बेसिकली एस ब्लॉक मेटल्स क्या चीज है. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजें मेल्टिंग पॉइंट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड दैट द रिएक्शन विद एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड एयर विद रिएक्शन विद वाटर. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड, दीज आर प्रॉपर्टीज इन द कैटेगरीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, ये प्रॉपर्टीज सारी केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, किसी से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, उस मेटल का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसी से, वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा. सपोज मेरे पास मेटल है, मैं उसका रिएक्शन कराने से मेरे रिजल्ट क्या आएगा, वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेरे पास जो चीज है वो किस तरीके से होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरीके से दिखता है, समझे. बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका आता है कि वो दूसरे मेटल या दूसरे एलिमेंट के लिए किस तरीके से बिहेव करता है, वो आपका हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ केमिकल केमिस्ट्री ऑफ एल्कली मेटल एंड इट्स कंपाउंड, इसके बाद आपका आएगा बेटा केमिस्ट्री ऑफ एल्कली. केमिस्ट्री मीन्स है जो एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स हैं. कंपाउंड्स बेसिकली आपका Na हो गया, एल्कली मेटल हो गया, नाइट्रियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया. सोडियम क्लोराइड आपका होता है NaCl. ये कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होता है, इस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो सब चीजें हम सेपरेट देखेंगे. फिर आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले आप देखेंगे, प्रोसेस प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फॉर्म होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना आपको. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट आएगा जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं. इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज. ओके, बिफोर दिस केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिथियम का कुछ बिहेवियर देखा था हमने. लिथियम क्यों इस तरीके से बिहेव करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर देखा, वो एबनॉर्मल बिहेवियर हम लोग देखेंगे. अभी नहीं देखा आप लोगों को, आज बताऊंगा मैं लिथियम के बारे में, लिथियम क्यों इस तरीके से बिहेव करता है. ओके, एंड देन आफ्टर दैट इस चैप्टर के बाद में ये देखो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है आपका, ये सब है, ये सब आपका सेकंड चैप्टर में आएगा जो मैं इंक्लूड करूंगा आपको. ओके, नाउ एडिशनल है आपका जो हाइड्रोजन का नोट्स है, जिसने क्लास में नहीं बनाया मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया आपको. ओके, हाइड्रोजन का नोट्स प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर देखना उसमें प्रिपरेशन ऑफ H2 का प्रिपरेशन. देखो बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर नहीं दिया कि H2 का हाइड्रोजन को आपको एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया हुआ, हैलोजन के साथ क्यों रखा, वो सब नॉर्मल चीजें हैं बेटा, आप लोग पढ़ लेना है, NCERT पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा. डायरेक्टली मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिपरेशन से, प्रिपरेशन किस तरीके से होता है आपका हाइड्रोजन का. ओके, सेकंड आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक कितने टाइप का हाइड्रोजन होता है, थ्री टाइप का हाइड्रोजन होता है, थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ओके, एडजॉर्ब हाइड्रोजन, ओके, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, आपके ये सब टाइप के हाइड्रोजन हो गया. नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, यूज ऑफ हाइड्रोजन होगा, आइसोटोप आएंगे हाइड्रोजन के, एच हो गया, डी हो गया, टी, ये आपके आइसोटोप है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड मॉलिकुलर, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर H2 की बात कर रहे हैं. जहां पर मॉलिकुलर हाइड्रोजन आए वहां पर H2 की बात होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन में सिर्फ H की बात होती है. फिर इसके बाद हाइड्राइड होगा, जो हाइड्राइड मैंने क्लास में डिस्कस किया सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाएगा आपका. वाटर जो मैंने क्लास में डिस्कस किया सेम टू सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा. रिमूवल ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं यहाँ पर लिखा हो जाएगा. उसके बाद आपका हैवी वाटर आ जाएगा, हैवी वाटर आपका आ जाएगा, हैवी वाटर में आपका D2O है, D2. इसके बाद परोक्साइड होगा, आई थिंक इसमें परोक्साइड नहीं इंक्लूडेड. ओके, H2O2 परोक्साइड का नोट्स इसमें नहीं होगा तो मैं अलग से दे दूंगा इसको. H2O2 को थोड़ा अलग से पढ़ लेना, H2O2 क्या चीज है उसका नोट्स भी सेंड कर दूंगा मैं. ओके, इसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी सेंड किया गया है दूसरे PDF में, ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1. देखो कितना एक्सरसाइज भेजा मैंने यहाँ पर, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, या मैं इस तरीके से बोलूंगी एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए. एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ये आपके बेसिक एक्सरसाइज है. यहाँ पर 4, 5 से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. देखो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 में आपके सिंगल टाइप आंसर है. क्या है बेटा, सिंगल टाइप आंसर, जहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है. ओके, ये आपको सॉल्व करना बेसिकली. यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1 में आपका एल्कली मेटल्स, या बेसिकली मैं बोलूँ एस ब्लॉक भी है, एंड साथ में हाइड्रोजन के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे. ओके, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है. ओके,
नेक्स्ट जैसे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27, 26 देखो ये आपका हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम है और तो पैरा हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन चैप्टर से प्रॉब्लम है। ओके तो दोनों चैप्टर इंक्लूडेड होंगे, दोनों आपके सिलेबस में नेक्स्ट टेस्ट में आने वाले हैं। ओके नाउ इसमें देखो मल्टीपल चॉइस में यहाँ पर मोर देन वन आंसर होगा क्या बेटा, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं बेटा। मतलब मैंने एग्जाम में नहीं आने वाले इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में इस टाइप का पैटर्न नहीं आने वाला, मींस मल्टीपल चॉइस वाला नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? मल्टीपल चॉइस के लिए आपको, मल्टीपल चॉइस के लिए सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिया मैंने, किसके लिए, नॉलेज के लिए कि आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए। यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है सही, तीसरा भी हो सकता है सही, चारों भी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कितने ऑप्शन सही है, तो आपको वो टिक करना है। ओके एंड इसके बाद आपको फिर आपका स्टार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसर टाइप प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर 12, 13, 14। ओके फिर आपका इंक्लूडेड होता है आपका प्रीवियस ईयर, हाँ जेई एडवांस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आप लोग को करना हो तो करो, अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप लोग इसको छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है तो करो। मैं जब इसका डिस्कशन लूंगा डिस्कस कर दूंगा, अगर आपको सही लगता है तो करो, अदरवाइज मत करो। ओके बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते नहीं है ना। कॉलम तो आपको सॉल्व करना है, कॉलम आप मैचिंग कर सकते हो ना। यहाँ पर ध्यान रखना ये कॉलम है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एक से मैच करेगा, इसका मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन में मैच कर सकता है, समझे? तो आपको याद रखना ये हाइड्रोलिथ है, मल्टीपल ऑप्शन है मैच कर सकता है, ये नाइट्रोलियम है, यही मल्टीपल ऑप्शन है मैच कर सकता है। ओके तो ये मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आपका आता है जेई मेंस प्रॉब्लम, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, यू कैन सॉल्व इट बाय दिस सीट, और आप प्रीवियस ईयर कोई बुक आप फॉलो करते हो तो वहां से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है? नाउ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो डिस्कस करने वाला था मैं यहाँ पर, ये चीज है देखो, जब भी कोई टॉपिक इसमें आप पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो उस चैप्टर में आपको इस तरीके से एक टैग मिलेगा SL और AL। SL का मतलब होगा बेटा स्कूल लेवल, ओके एंड AL का मतलब है एडवांस लेवल। और एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, एडवांस लेवल का मतलब ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए है आपका। ओके बेसिकली वो आपका मेंस के लिए है। ओके जब ये क्लियर कर लोगे मेंस, तब हम लोग एडवांस का आप लोग को बताएंगे कि एडवांस के लिए क्या करना है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? जो SL टैग लगा हुआ है इसका मतलब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और आपके जेई के लिए भी। बेसिकली बहुत लोगों को कंप्लेंट थी कि बोर्ड्स का नहीं हो रहा, बोर्ड्स का नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने टैग लगा दिया यहाँ पर। ओके ये बोर्ड्स के लिए भी है और जेई के लिए भी है, दोनों के लिए आपको पढ़ना है। अगर किसी फिगर में आपका सिर्फ SL लिखा है उसका मतलब ये है कि वो मेंस में बहुत कम आता है या ना के बराबर आता है, इसलिए उसको हटा दिया, वहां पर एडवांस टैग नहीं लगाया। ओके अगर कहीं पर सिर्फ AL लगा हुआ उसका मतलब ये है कि वो स्कूल लेवल में नहीं आता है, आपका एडवांस लेवल में आता है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है एंड रीड करना है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर? कुछ डाउट है इसके बारे में? Anybody? कोई डाउट किसी को? ओके सो नेक्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करने, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, आपको स्क्रीन दिख रहा बेटा? बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके नाउ आपको आंसर करना है वो क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, लाइक मैंने आपका रिवीजन कराया नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है सॉफ्टनेस, ऑल ऑफ यू नो द सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस ऑफ ग्रुप वन डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? हेलो एनीबॉडी,
सॉफ्टनेस ऑफ ग्रुप वन डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है? इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन, चलो सॉफ्टनेस। नाउ यू हैव टू टेल फर्स्ट 15 मिनट्स बेटा, मुझे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं तो उसको आंसर करो, उसके बाद आप पीसफुली आराम से सोते हुए सुनो लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है सब लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना है अल्टीमेटली, आप लोगों को टाइम बर्बाद ही करना है, बिकॉज आप लेक्चर रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपका फिर से एक घंटे बर्बाद हो जाएगा। ओके, उससे बेहतर है बेटा यहाँ पर समझ लिया करो। ओके नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कोवलेंट कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। कोवलेंट कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा, ओके, एंड सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं लाइक एल्कली मेटल्स, लिथियम, सॉल्ट ऑफ लिथियम हैविंग स्मॉल आयन, ओके, आर मोर सॉल्युबल देन सॉल्ट हैविंग लार्जर एनायन, क्यों होता बेटा? सॉल्ट ऑफ लिथियम हैविंग स्मॉल एनायन, सो मोर स्टेबल, हैविंग स्मॉल एनायन, ओके, आर मोर स्टेबल देन सॉल्ट हैविंग लार्जर एनायन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्यों होगा बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में बहुत बार आ चुका है। सर लिथियम भी छोटा होता है ना? हाँ लिथियम भी छोटा, लिथियम और स्मॉल एनायन लेने पर वो दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा ना? एग्जैक्टली। हाँ बड़े का लिया तो वो कंफर्ट में हो जाएगा ना, वो एक रूम का एग्जांपल दिया था आपने। यस 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 यस, तो बेसिकली जिसका स्मॉल एनायन होने की वजह से लिथियम पॉजिटिव आपका सॉल्ट है, लिथियम पॉजिटिव ही तो सॉल्ट होगा बेटा, सॉल्ट ऑफ, यहाँ पर लिख दूं मैं, सॉल्ट ऑफ लिथियम पॉजिटिव, इसका बेटा साइज स्मॉल होगा, विथ स्मॉल एनायंस, इसका मतलब होगा बेटा ये आपका किसी भी स्मॉल एनायन के साथ मिलकर के एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। क्यों बनाता है? बिकॉज बेटा इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज? लैटिस एनर्जी हाई होती है, मींस इंक्रीज होती है, लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। अरे बेटा स्टेबिलिटी, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों छोटे छोटे हैं, स्टेबल हो गए ना, सिंपल है, ओके, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी हाई हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं किसी भी लिथियम, जो लिथियम आपका पॉजिटिव है एंड एनायन आपका बाय साइज बड़ा है, इसका मतलब लार्जर एनायन होने की वजह से आपका विथ लार्जर एनायन जो आपका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। इसका मतलब जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती वो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल का मतलब समझते हो? स्टेबल का मतलब होता है उसको हीट करने पर डिसोसिएट ना हो। आपने देखा होगा जो लिथियम क्लोराइड है आपका वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, समझे ना, वो आपका इनसॉल्युबल होता है और लिथियम क्लोराइड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, समझे, क्लियर है? नाउ ये चीज तो आप लोग डिस्कस कर लिए, नाउ मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर कर दूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है आपका, दीज मेटल्स
इनमें से सिर्फ आपका रूबी सॉरी सिर्फ आपका पोटेशियम सॉरी सोडियम एंड पोटेशियम ही आपका अर्थ में सिक्स और सेवेंथ मोस्ट एबंडेंट मेटल है। समझे बेटा? और रेस्ट आर रेयर, बाकी तो आपके बहुत रेयर रेयरेस्ट हैं आपकी, चाहे लिथियम ले लो, चाहे आपका फ्रांसियम ले लो, चाहे आपका सीजियम ले लो, या चाहे रुबिडियम ले लो। ओके, एंड फ्रांसियम तो आपका बेटा क्या है, रेडियो एक्टिव। ये चीज है, मैं आपका स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहा हूँ कौन कौन सा पॉइंट आपको याद करना है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट। अच्छा, फर्स्ट मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ना बेटा? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है कि नहीं? मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है? डिक्रीज। हार्डनेस, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस। ओके, समझे बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप प्रॉपर्टीज की जो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, ऑल ऑफ यू नो दैट एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, वॉल्यूम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, सॉफ्टनेस, डेंसिटी एक्सेप्ट पोटेशियम। पोटेशियम याद रखना, पोटेशियम थोड़ा सा आगे आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। पोटेशियम के लिए यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। ये प्रॉपर्टीज होती है पोटेशियम की। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? क्लियर ना? नाउ टेल मी लिथियम का कलर क्या होता है बेटा? लिथियम को बंसन फ्लेम में हीट करने पर क्रिम्सन रेड, वेरी गुड। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, ओके, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम वायलेट, वेरी गुड। तो याद है आपका। नाउ अगर मैं बात करूं लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन, मेटल की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनता है बेटा? लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर आपका एम बनता है एंड फिर आपका क्या रहता है बेटा? NH3X, यहां पर पॉजिटिव प्लस ऑफ NH3, यही बनता है ना बेटा? यहाँ पर एक्स प्लस वाई लगा दिया आपका। ये प्रॉपर्टीज याद है ना? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर होता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वो सॉल्यूशन आपका कंडक्टिंग होता है। फर्स्ट क्या है बेटा? कंडक्टर, ओके, सॉल्यूशन कंडक्टर, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक, सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट एंड लास्ट वन कल ब्लू कलर, ओके, जो कि आपका ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट स्टैंडिंग ऑन स्टैंडिंग। ओके, ये फोर प्रॉपर्टीज आपकी डेफिनेटली आती है बेटा जेई में, रिपीट हो चुका है। नाउ इन केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बोलूं मेटल है आपका, मेटल आपका नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। मेटल ऑक्साइड आपका अगर मैं यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन लिख दूं तो क्या बनाता है?
मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आपका CO2 के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट बनाता है, याद रख लेना ये चीज। ओके, अगर यहाँ पर एक्सेस ऑफ O2 है तो आपको क्या बनेगा बेटा, M2O2 या MO2। और M यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर M आपका सोडियम है, यहाँ पर M आपका रुबिडियम पोटेशियम और सीजियम है, ये क्लियर क्लियर है ना? यस सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपसे, कुछ ट्रेंड्स पूछूं, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर क्या होता बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर लेट से LiOH है आपका, NaOH है, KOH है, RbOH है, CHOH है, बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन बेटा इंक्रीज होगा, समझ में आया? इसके पास आयनिक कैरेक्टर होगा, ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। ओके, जिसके पास आयनिक कैरेक्टर होता है, जो ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है ना CS पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा बेस है। ओके, या एसिड हो तो ज्यादा अच्छा एसिड है, अगर बेस है तो ज्यादा अच्छा बेस है, क्लियर है ना? अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, लेट से मैंने लिख दिया आपका लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, स्टेबिलिटी का ट्रेंड्स क्या बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी? डिक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज होगी बेटा, ये ज्यादा होगा। ओके, अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, अगर मैं बात करूं बेटा रिड्यूसिंग नेचर का, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा लिथियम का, फिर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? यही होता है ना, अरे यही होगा कि नहीं होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है बेटा, याद किया था मैंने, बताया था, एक्सेप्शन है यहाँ पर। ओके, लिथियम आपका एक्सेप्शन है, याद की रहना, लिथियम का सबसे ज्यादा, इवन पूरे एल्कली मेटल्स हैं, आप एमजी वाला ग्रुप भी ले लोगे ना तो भी लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, ऑर्डर भी लिखाया हुआ है आपको, क्लियर है ना? समझ में आया ऑल ऑफ यू? चलो हम लोग इधर तक कंप्लीट कर चुके थे, नेक्स्ट हम लोग को कंप्लीट करना है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ तक हो गए थे, आई थिंक हम लोग लास्ट लेक्चर में जो आपके कलर शो करते हैं। ओके, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने डिस्कस किया था कि दीज मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हेंस कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड बाई रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और अदर कंपाउंड, इसके ऑक्साइड और एनी अदर कंपाउंड से हम ये मेटल नहीं निकाल सकते, समझ में आया? इसके ऑक्साइड और इसके कंपाउंड से हम ये मेटल नहीं निकाल सकते, क्लियर है? किससे? रिडक्शन मेथड से। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। ओनली सक्सेसफुल मेथड आपका ये है कि उसका फ्यूजन कर देते हैं हम लोग, फ्यूजन सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं फ्यूज मेटल। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। लाइक आपने डायगोनल रिलेशनशिप देखा क्या बेटा? ओके चलो, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ यहाँ पर देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर में, एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, दैट की जो लिथियम है वो आपका साइज छोटा होने की वजह से पूरी फैमिली में, इसको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक फैमिली, तो इस पूरी फैमिली में लिथियम आपका सबसे छोटा है. तो रैंडम बिहेव करता है, कल मैंने बताया था जो घर में सबसे छोटा होता है बहुत लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया जाता है, इसलिए वो रैंडम कुछ भी काम करता है. सेम केस यहाँ पर अप्लाई होता है कि लिथियम की साइज छोटी होती है इसलिए रैंडम बिहेव करता है. नाउ अगर मैं बोलूँ रीजन फॉर दिस बिहेवियर, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले मैंने बोला रीजन बताओ कि ये लिथियम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है. रीजन फॉर ऑल होता है इसलिए. यस, एबनॉर्मल समझते बेटा, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करता, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है आपका. एबनॉर्मल मीन्स रैंडम तरीके से जो बिहेवियर शो कर रहा. क्यों होता बेटा? फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, दैट इज स्मॉल साइज. एटम बोलोगे या आप आयन बोलोगे, दोनों में स्मॉल है बेटा, एटम फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में, इसलिए रैंडम बिहेव करता है. नाउ यू ऑल्सो नो दैट स्मॉल साइज की वजह से बेटा इसके पास हाई पोलराइजिंग पावर होती है. होती है कि नहीं होती है? हाई पोलराइजिंग पावर से क्या होता है बेटा, क्या होता बेटा? इंक्रीज कोवेलेंट करेक्टर, तभी तो वो बार बार कोवेलेंट बिहेवियर शो करता है ना लिथियम. समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा, जिस फजान्स रूल में पढ़ा होगा आपने, स्मॉल कैटायन आपका लार्ज एनायन से क्या करता, इसको पोलराइज कर देता है, जिससे इस टाइप का शेप हो जाता है और यहाँ पर आपका कोवेलेंट टाइप बिहेवियर शो करने लगता है. ये आपका कोवेलेंट टाइप बिहेव हो जाता है, कोवेलेंट टाइप बॉन्ड बनने लगता है. ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? यस सर. ओके, तो ये आपको आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओके, ना अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ऑल ऑफ यू नो दैट कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, हाई और लो? हाई. हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड लोएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर. ओके, नाउ अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं बेटा, इसके पास बाकी मेटल की तरह डी ब्लॉक नहीं होते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. समझे? अगर मैं फिफ्थ नंबर पॉइंट देखूं, इसका मेल्टिंग जो मेटेलिक बॉन्डिंग है बेटा, वो ज्यादा होता है या कम होता है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग. दीज फाइव प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर या हिज और जो भी बोलेंगे इसके एबनॉर्मल बिहेवियर. ये प्रॉपर्टीज हैं जो उसके एबनॉर्मल बिहेवियर, इट्स एबनॉर्मल बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल है. समझे बेटा? क्लियर ऑल ऑफ यू? ये पांच प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं बट आपको यही लिखना है. स्कूल लेवल में आता है तब भी आपको यही लिखना है. स्कूल लेवल मतलब होता है बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ. ओके, अगर आपको जेई के लिए आता है तो इसी पांच में से कोई भी होगा आपको टिक लगा देना है. क्लियर है बेटा? नाउ अभी आपको पता तो लग गया बेटा कि ये रीजन है. अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मिसबिहेव करता है, इस तरीके से बिहेव करता है, ऑल आप लोग पहले से जानते हो बट फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी इस तरीके से बिहेव करती हैं.
एनी आइडिया बेटा? स्टार्ट करो बेटा मेल्टिंग पॉइंट से, हार्डनेस से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, बताया ना मैंने कि लिथियम करता ये नहीं करता, सोडियम करता, लिथियम सीओ टू के साथ रिएक्शन करता ये नहीं करता, तो यहां पर लिखो आप लिथियम, एंड यहां पर लिखो अदर अल्कली मेटल्स। ये क्या है बेसिकली, ये वो चीज है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लिथियम शो करता है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बाकी मेटल्स शो करते हैं अदर देन द लिथियम। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पर पॉइंट नंबर वन, ऑल ऑफ यू नो दैट लिथियम आपका हार्ड होता है, हार्ड होता है कि नहीं होता है? अरे बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर हार्डनेस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? डिक्रीज। तो लिथियम सबसे ज्यादा हार्ड हुआ, लिथियम हार्ड हुआ, यस सर। ओके, एंड अदर अल्कली मेटल्स फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे आर सॉफ्ट इन नेचर, समझे? अगर मैं पॉइंट नंबर टू की बात करूं, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? हाई। वेरी गुड, हाई। और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? लो। वेरी गुड, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है? अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ये आपका लिथियम रिएक्टिव होता है या नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव? दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, होता है कि नहीं होता है? अभी रिएक्टिव मींस मैं बोल रहा हूँ इन द सेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्टिविटी देख रहे हैं वाटर के साथ, ये रिएक्टिविटी देख रहे हैं। ओके, नॉर्मली हम लोग बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी इसकी लीस्ट होती है। ओके, एंड इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव, यार ये रिएक्टिव होते हैं आपके, क्लियर है पॉइंट? अगर मैं फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करूं, अच्छा रिएक्टिविटी में आप लिख लो यहां पर, पॉइंट लिख लो इसके अंदर में, हाइड्रोजन के साथ हाईली रिएक्टिव है, याद रखना हाइड्रोजन के साथ। ओके, बाकी के साथ मैं यहां पर लिख रहा हूं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, नॉट अफेक्टेड बाय एयर, इजिली, ओके, डज नॉट लूज लस्चर, ये आप लस्चर भी नहीं निकालता आपका। ओके, लस्चर भी आप लॉस नहीं करते यहां पर। सेकेंड पॉइंट, रिएक्ट स्लोली विथ वॉटर, या मैं आपका स्टीम लिख दूं यहां पर। ओके, एंड फॉर्म H2 गैस, समझे बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका लिथियम, आपका O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? लिथियम ऑक्साइड ओनली फॉर्म करता है ना, एंड लिथियम आपका N2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? Li3N फॉर्म करता है ना, करता है कि नहीं? ओके, अगर मैं यही रिएक्टिविटी बात करूं यहां पर सोडियम की या बाकी मेटल्स की, यहां पर मैंने M लिख दिया, लेट से मैं यहां पर M लिख रहा हूं, M मींस बाकी मेटल, M आपका O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है? Na2, N2O2 और
एमओ टू फॉर्म करता है। यहाँ पर ये आपका ओनली लिख लो, यहाँ पर बेसिकली सम ट्रेसेस ऑफ एल आई टू ओ टू के होते हैं, ओके। बट आपको जनरली आपको क्या लिखना है, याद रखना है जनरली आपका एल आई टू याद करना है, ओके। सो एम प्लस ओ टू आपका एम टू ओ टू फॉर्म किया, क्लियर है। एंड ये आपका किसके केस में है, सोडियम के केस में है, ये आपका किसके केस में है, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम के केस में है। एंड अगर मैं बात करूं मेटल विथ एन टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिएक्शन नहीं होती, समझे कि नहीं, क्लियर ऑल ऑफ यू, थर्ड पॉइंट क्लियर ना। चलो फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम लिथियम बाइकार्बोनेट, ओके। बिफोर लिथियम बाइकार्बोनेट आप इसका हाइड्रोक्साइड भी देख सकते हो, लिथियम का हाइड्रोक्साइड को अगर मैं हीट करते हैं बेटा तो क्या फॉर्म होता है, एनी आइडिया, एल आई टू ओ प्लस एच टू ओ फॉर्म होता है, हेलो इफ यू एग्री और नॉट, समझे। लिथियम का हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग इस तरीके से हीट करेंगे, ये क्यों फॉर्म हुआ बेटा, बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टिव, सॉरी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता तो ये एल आई टू ओ नहीं बनता, यहाँ पर एल आई पॉजिटिव हो जाता और ओ एच नेगेटिव हो जाता, समझे ना, डिसोसिएट ही नहीं होता यहाँ पर, ओके। हीट कर रहे हैं ना तो डिसोसिएट ही नहीं होता यहाँ पर, ओके। तो ये आपका एल आई टू ओ हो गया, एल आई ओ एच का अगर हीट करेंगे हम लोग तो दैट फॉर्म एल आई टू ओ एंड एच टू ओ। अगर मैं बात करूँ आपका सेम प्रॉपर्टीज बेटा कौन सो करता है, सेम प्रॉपर्टीज कौन सो करता है बेटा, एम जी ओ एच का होल ट्वाइज, दैट इज वाई ये उससे डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो एम जी ओ एच का होल ट्वाइज जब रिएक्शन करेगा दैट इज ऑल्सो फॉर्म एम जी ओ प्लस आपका एच टू ओ, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज दिख रही हैं बेटा, ये भी ऑक्साइड, ये भी वाटर, ये भी हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट, यस सर, समझ में आया ना। तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, क्लियर है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सेम होती हैं, समझ में आया ना। अगर मैं बात करूं अदर, यहाँ पर इस हाइड्रोक्साइड की बात कर दूं, यहाँ पर मैं कलर कौन सा, अदर हाइड्रोक्साइड, लेट मी चेंज द कलर, अदर मेटल हाइड्रोक्साइड, Do not decompose. समझे बेटा, ये decompose नहीं होते हैं, क्लियर है बेटा, समझ में आया ना। रिएक्टिविटी के अंडर में आपके कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4 पॉइंट हो गए, ये भी आपका एक पॉइंट था रिएक्टिविटी के अंडर में, ओके, 1, 2, 3, 4 पॉइंट हो गए, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ नंबर वाला पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, लिथियम बाइकार्बोनेट आपका किस में एग्जिस्ट करता बेटा, सॉलिड में, गैस में या लिक्विड में, बोलो बोलो, सॉलिड, एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन, ओके। एंड जो आपके अदर मेटल कार्बोनेट हैं, अदर मेटल बाइकार्बोनेट, दिस इज फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, अदर मेटल
सॉलिड बाइकार्बोनेट, याद आया कि नहीं? कल ही लिखाया था मैंने आई थिंक। बाकी मेटल के बाइकार्बोनेट, चाहे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, ये आपके सॉलिड होते हैं। सॉलिड मीन्स जैसे मैं बोलूं कि ये आपके एट नॉर्मल टेम्परेचर NTPHTV पर आपको सॉलिड मिलेंगे। हाँ, सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में, वो अलग कंडीशन है। जैसे मैंने बोला KHCO3 है, ये आपका होगा सॉलिड बट वाटर में आपका सॉल्युबल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। समझे मेरी बात? इसका सॉलिड फॉर्म आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलता हमेशा। समझे? सॉलिड और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और सॉल्युबल में दोनों में डिफरेंस है। बाकी मेटल कार्बोनेट आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे बट वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, ये आपका ऑलरेडी सॉल्यूशन में रहता है। समझे? क्लियर है कि नहीं पॉइंट? फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो फिर, जो लिथियम का नाइट्रेट, लिथियम कार्बोनेट हो गया लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? नाउ टेल मी, कल ही बताया था मैंने Li2O फॉर्म होता है, प्लस NO2 फॉर्म होता है, प्लस O2 फॉर्म होता है। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? अरे बताओ ना बेटा। यस सर। सिमिलर लाइक दैट आपकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम भी शो करता है। ये आपका मैग्नीशियम का नाइट्रेट है, होल्ड ट्वाइस, इसको मैं हीट करूंगा M2 आपका M2 या MgO? MgO सर। MgO एंड NO2 एंड O2 फॉर्म करेगा। क्यों शो करता? बिकॉज इसका इसका कनेक्शन है बेटा। क्या कनेक्शन है अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके नाउ यहाँ पर देखो, अदर मेटल नाइट्रेट किस तरीके से डिकम्पोज होते हैं बेटा? एनी आइडिया? NaNO3 है बेटा, इसको हीट करते हैं NaNO2 फॉर्म होता है, प्लस आपका O2 फॉर्म होता है। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? यही फॉर्म होता था ना। इसके साथ जो आपका ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड को अगर मैं क्या करते थे बेटा, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तब क्या बनेगा आपका? M2O प्लस N2 प्लस O2, ये आपका एडिशनल रिएक्शन है, याद कर लेना। ओके, इस रिएक्शन के, इस रिएक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिएक्शन यहाँ O2 तक खत्म हो जाती है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में एनी प्रॉपर्टीज, डू यू रिमेम्बर? कार्बन, अभी कार्बन कहाँ होगा बेटा? Li2CO3, अगर इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? Li2O प्लस CO2, याद करो याद करो। एंड अदर मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं बेटा? अदर मेटल कार्बोनेट्स आर स्टेबल, और ये स्टेबल होते हैं इसलिए दे डू नॉट डिकम्पोज। अदर मेटल कार्बोनेट आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं, नॉर्मल हीटिंग में डिकम्पोज नहीं होते हैं। डिकम्पोज तो करा सकते हो बट बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइक आई थिंक 1800 to 2400 degree Celsius के आसपास चाहिए, उतना जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड में लिथियम की प्रॉपर्टीज चल रही है, राइट हैंड साइड में आपकी अदर एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज चल रही है। पॉइंट नंबर 7, लिथियम फ्लोराइड, ऑल ऑफ यू नो दैट लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड
Li3 PO4 Li2 C2O4। ना कौन कौन मुझे नाम बताएगा इनका, क्या नाम है बेटा Li2 C2O4 का नाम क्या है? कार्बोनेट बेटा नाम बताओ इसका, इस कंपाउंड का नाम बताओ। एनीबडी? देयर आर आई थिंक सर Li2CO3 का लिथियम कार्बोनेट क्या है? नहीं, जिसका सर्किल किया उसका नाम बताना है बेटा, जिसका सर्किल किया मैंने। देयर आर 34-35 पर स्टूडेंट्स हैं, कोई तो नाम बताओ बेटा। लिथियम ऑक्सैलेट। लिथियम ऑक्सैलेट, वेरी गुड। C2O4 डबल नेगेटिव आपका ऑक्सैलेट आयन होता है, C2O4 डबल नेगेटिव आपका ऑक्सैलेट आयन होता है, जिसके साथ लग जाएगा उसका ऑक्सैलेट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे लिथियम ऑक्सैलेट। सारे लोग लिखो इसका नाम, नोट्स में लिखो। चलो मैं लिख देता हूँ आपका, लिथियम ऑक्सैलेट। ओके, ये कंपाउंड आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब समझते हो? स्पेरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग समझते हो कि नहीं? हाँ सर, क्या होता है बोलो? थोड़ा सा ही घुल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा घुलेंगे, बाकी नहीं घुलेंगे, बाकी आपके क्रिस्टल टाइप बने रहेंगे उसमें। जैसे मैं बोलूं किस तरीके से बोल सकते हैं, कोई आपने डस्ट लिया या कोई आपका मिट्टी टी जो भी है आपका डस्ट डस्ट कुछ इस तरीके से लिया, उसको आप पानी में घोल रहे हो, ओके, वाटर में घोल रहे हो, तो जो उसका डस्ट पार्टिकल डस्ट है वो तो घुल जाएगा, बट उसमें कुछ पार्टिकल्स पड़े होंगे, पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े होंगे, वो आपके नहीं घुलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कुछ तो सॉल्युबल है कुछ सॉल्युबल नहीं है, ओके, ये आपका स्पेरिंगली। लिथियम क्लोराइड तो आपका इनसॉल्युबल होता है बेटा कंप्लीटली, ओके, याद रखना। एंड नाउ टेल मी अदर अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अदर अल्कली मेटल्स के क्लोराइड, फास्फेट, ऑक्सैलेट, कार्बोनेट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फास्फेट, फ्लोराइड, फास्फेट एंड ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, दे आर मोर सॉल्युबल एंड कार्बोनेट। और किसी भी कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बोलो सर नाइट्रेट बता दो, आप बोलो सल्फेट बता दो, ये कंपाउंड आपके लीस्ट सॉल्युबल है एंड ये कंपाउंड, ये आपके मोर सॉल्युबल है, ये आपके लीस्ट सॉल्युबल है। लिथियम लगा इसका मतलब लीस्ट सॉल्युबल, यहाँ पर आपके दूसरे मेटल्स हैं इसका मतलब मोर सॉल्युबल। क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर एट में लिथियम सल्फेट डज नॉट फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। लिथियम सल्फेट जानते हैं बेटा, LiSO4 होगा या Li2SO4? LiSO4। अरे Li2 होगा बेटा, कहाँ खोए रहते हो, वैलेंसी मैच करो। Li2SO4 डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट जानते बेटा? डबल सॉल्ट जानते हो कि नहीं? अरे जो एलम्स होती हैं वो आपके डबल सॉल्ट होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, दे फॉर्म डबल सॉल्ट टाइप का, किधर गया ये कंपाउंड बताया था, एलम्स ये है आपका लिथियम सल्फेट, दिख रहा ना बेटा? एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट ऑफ ग्रुप 1 रिएक्ट विद सल्फेट्स ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल लाइक दिस गिव डबल सॉल्ट। समझे? ये आपके इसके साथ कंबाइंड होके डबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं, समझ में आए ना बेटा? तो जो आपका ये वाला मेटल रहता है, ये आपका एस ब्लॉक का मेटल है, एस ब्लॉक का मेटल है, ये वाला मेटल रहता है,
प्लस थ्री वैलेंसी वाला मेटल रहेगा, तब जाके सॉल्ट फॉर्म करेगा जिसको हम लोग एलम बोलते हैं। समझे ना ऑल ऑफ यू? इसलिए एलम बोलते हैं। तो लिथियम सल्फेट आपका फॉर्म नहीं करता है, बाकी आपके फॉर्म करते हैं, याद रहेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर नाइन में लिखो लिथियम हैलाइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जानते बेटा? कार्बन के नहीं सर। यस एंड दे आर इनसॉल्युबल। लाइक मैंने बोला आपका एसीटोन है CH3CO CH3, इसका नाम जानते हो क्या होता बेटा? नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ। IUPAC बता दो यार, नॉर्मल नहीं बताना तो। इथेन टू ओन क्या? प्रोपेनॉन। प्रोपिनोन, वेरी गुड। ओके ये आपका प्रोपिनोन हो गया, इसको बोलते हैं एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ओके नाउ जिसका आपका कार्बन है किसी भी कंपाउंड में और वो आपका ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें आपके लिथियम के हैलाइड सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे, एनी आइडिया? क्यों होंगे, एनी आइडिया बेटा? नाउ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताओ। Li के हैलाइड आपके कोवेलेंट होते हैं? Yes, sir. होते ना कोवेलेंट? क्या कभी आपने ये सुना? लाइक डिजॉल्व लाइक सुना? ऑनेस्टली बोलो, लाइक डिजॉल्व लाइक सुना या नहीं? केमिकल बॉन्डिंग में आपने बोला होगा। चलो नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं आपको। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है जो जिस तरीके से कंपाउंड है उसी तरीके के कंपाउंड में डिजॉल्व होगा या सॉल्युबल होगा, समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लिथियम है आपका, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड एक कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड है, तो एक कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड में ही सॉल्युबल होगा, ना कि आयनिक वाले कंपाउंड में। डिड यू एग्री ऑर नॉट? यस। जो जिस तरीके से कंपाउंड है वो उसी तरीके के कंपाउंड में सॉल्युबल होगा। लिथियम क्लोराइड आपका कोवेलेंट टाइप कंपाउंड है तो वो आपका कोवेलेंट टाइप कंपाउंड में ही सॉल्युबल होगा, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं सारे कोवेलेंट होते हैं। सब में आपने बॉन्ड देखा कि नहीं देखा? क्या कहीं पर इस तरीके से आयंस देखा? बहुत कम देखने को मिलता होगा, समझे हम? सब जगह पर बॉन्ड मिलता है ना, तो वहां पर जो हम तोड़ते हैं बेटा, जो आपका आपका बॉन्ड आता है ना यहाँ पर प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन कार्बन की वजह से नहीं आता, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा रहता है तब उसकी वजह से आता है। लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तब जुड़ा रहता तब आता है। जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो आपके कोवेलेंट ही होते हैं 99% या बेसिकली 100% बोल सकता हूँ मैं। ओके जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो आपके कोवेलेंट ही होंगे। तो जो लिथियम के कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, इसका मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक होगा कि नहीं होगा? नाउ अभी हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, इस कंपाउंड के अदर मेटल्स की। NaCl को कभी देखा, Na और Cl बॉन्ड बनाते हुए? हमेशा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में देखा होगा आपने, देखा कि नहीं देखा? तो ये आपका आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं? तो ये आपके आयनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, ना कि कोवेलेंट सॉल्यूशन में। ओके अगर कहीं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसका मतलब वहां पर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज़ वहां पर वो
कोवेलेंट सॉल्यूशन होते हैं, समझे? सेम MgCl2 आपका कोवेलेंट इन नेचर होता बेटा, तो ये भी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 9, 10 हो गया, पॉइंट नंबर 11 लिखो, सॉरी 10, पॉइंट नंबर 10, हैलाइड आर पार्शियली कोवेलेंट ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। हैलाइड्स आर पार्शियली कोवेलेंट ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजिंग पावर। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? इनके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए क्या होगी, कोवेलेंट होते हैं बेटा। किधर गए ये कोवेलेंट होते हैं? नाउ अगर मैं बात करूं सो दैट दे कैन फॉर्म LiCl डॉट 2H2O टाइप कंपाउंड फॉर्म करेंगे। समझे? LiCl 2H2O, क्लियर है ना? अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यस सर। अरे पोलराइजिंग पावर होगा, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींच लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, सॉरी पॉइंट नंबर 10 मेटल के साथ देखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब होगा ये आइडियली आयनिक, आइडियली तो आयनिक है, इसका मतलब यहाँ पर नो हाइड्रेटेड सॉल्ट। समझे कि नहीं? ये कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाएंगे। क्लियर? समझ में आया? नाउ अभी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली है तो वही जो अभी तक मैंने बता दिया। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करना। अगर मैं आपको टिक लगा दूं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं टिक लगा दे रहा हूँ आपको। पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट, 8 इंपॉर्टेंट, 7, 6, 5, 4 तो आपका रिपीट हो चुका है, एंड आई थिंक ओके इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऊपर की नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी ऊपर का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये आपके इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डायगोनल रिलेशनशिप विथ Mg, जो डायगोनल डायगोनल की मैं बात कर रहा था बार बार, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप है क्या एक्चुअली में? तो यहां पर देखो डायगोनल रिलेशनशिप विथ Mg, Mg क्या है बेटा, कौन सा कंपाउंड है? मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नीशियम है, मुझे लगा कुछ और है। चलो मैग्नीशियम है। रीजन क्या होंगे बेटा? कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी ना मैग्नीशियम और लिथियम में, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। होंगी ना सिमिलरिटीज? हाँ सर। तो वो कौन सी सिमिलरिटीज, आइडिया? रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा रीजन हो गया, आइडिया? चलो मैं बता देता हूं आपको, आपको तो नहीं होगा आइडिया। नंबर 1 लिखो यहां पर,
कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं बेटा क्या होता है? डिड यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस सर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। यस, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे दोनों में। चलो, मैंने लिथियम लिख दिया इस तरफ और मैग्नीशियम लिख दिया इस तरफ। ओके, तो अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 1.00 एंड इसकी नेगेटिविटी होती है अराउंड 1.2। ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, पास में ना दोनों, इसलिए ये पॉइंट, इसलिए दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए कि चलो भाई एक गुण तो हमारा मिल रहा है, मैच कर रहा है। सेकंड देखो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैच कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी से आपकी, एनी आइडिया बेटा? सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। समझे? अगर मैं बात करूं फिर से यहां पर लिथियम और मैग्नीशियम की बात करूं, फर्स्ट मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं, देन मैं आयनिक रेडियस की बात करूंगा। एटॉमिक रेडियस आपकी लिथियम की होती है 152 अराउंड। कितनी होती है? 152 अराउंड एंड इसकी 160। ये आपकी पिकोमीटर में बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया? ऑलमोस्ट इक्वल है ना भाई, 150 और 150 और 160। 50 ही बोलते ना बेटा मराठी में? थोड़ा सा सिखाओ ना मुझे भी मराठी। यस सर। ओके, सो 152 एंड 160 आपका ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? लिथियम पॉजिटिव। आयनिक रेडियस लिथियम पॉजिटिव होगा ना? लिथियम पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका डबल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आयनिक रेडियस हो जाएगा 76 पिकोमीटर एंड यहाँ पर 72 पिकोमीटर। तो ऑलमोस्ट इक्वल है। डो नॉट रिमेम्बर डेटा, डेटा की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट याद करना है बस। डेटा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, इसलिए बोला चलो भाई एक और आपका गुण मिल रहा है तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो चलो ये भी दोस्त बन गया। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करूँ, थर्ड प्रॉपर्टी होता है सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम। सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम, जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम है वो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अगर मैं बात करूं कि इसका, आई थिंक आपको डेटा लिख लो डायरेक्टली। लिथियम के केस में आपका होता है 12.97 मिलीलीटर एंड मैग्नीशियम के केस में होगा आपका 13.97 ml। बस सिर्फ आपको मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसको याद करना। आपको सिर्फ ये लाइन याद करना है कि एटॉमिक वॉल्यूम दोनों का सेम टू सेम रहता है। समझ में आया? साइज भी आपको पता लग गया बेटा, साइज छोटा रहता है। नाउ साइज की वजह से एक पॉइंट तो आपको डेफिनेटली लिख देना है। कौन सा पॉइंट बेटा? साइज की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर होगा कि नहीं होगा? पोलराइजिंग पावर होगा हाई कि नहीं होगा? नाउ अगर कभी एग्जाम में आए पोलराइजिंग पावर निकालते कैसे हैं, तो आप लिख लो पोलराइजिंग पावर को फाई से दिखाते हैं एंड इसको अगर निकालने के लिए आपके पास आयनिक चार्ज होना चाहिए, कितना उसका चार्ज है एंड उसकी आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस स्क्वायर, ये आपका पोलराइजिंग पावर होता है। बट ये कभी आता नहीं है, याद रखना। ओके, बट हाँ कभी आ सकता है तो ये याद रख लेना, बट कभी आया नहीं है तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं देने का। ये फोर पॉइंट हो गए, चारों पॉइंट याद रहेंगे। फर्स्ट आपका कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। थर्ड आपका
एटॉमिक वॉल्यूम, फोर्थ आपका पोलराइजिंग पावर। ये फोर पॉइंट है जिसकी वजह से मैग्नीशियम के साथ इसकी दोस्ती अच्छे से हो गई और उसकी तरी बिहेव उसके तरीके से यह बिहेव करने लगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया? नाउ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर शो करती हैं? नाउ यहां पर देखो सिमिलरिटीज, हेडिंग लिखो सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज हेडिंग लिखो नंबर पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में देखो बोथ आर हार्डर, दोनों पॉइंट। बोथ का मतलब कौन सा बेटा? लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्डर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझे? पॉइंट नंबर सेकेंड, डिकम्पोज वाटर स्लोली टू लिवरेट एच टू। वाटर बहुत ही कम डिकम्पोज होता है जिससे आपका H2 गैस मिलता है। इसके लिए मैंने रिएक्शन लिखाया था आपका, ये आपके साथ वाटर की यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्टीम होता है, स्टीम होता है ना, या बेसिकली हॉट वाटर कर सकते हैं यहाँ पर। और दोनों की रिएक्शन आपको पता है, जो लिथियम होता है वो आपका H2O से रिएक्शन करने के बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस H2O बनता है। सिमिलरली आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम H2 के साथ रिएक्शन करने पर आपका MgOH होल ट्वाइस बनाता है प्लस आपका H2 गैस लिबरेट करता है। यहाँ पर H2 गैस है, ओके? ऑल ऑफ यू नो दैट ये आपका क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, याद करो हाइड्रोजन चैप्टर में लिखा था मैंने, स्टीम होता है या हॉट वाटर या वार्म वाटर क्या होता है यहाँ पर, या कोल्ड वाटर? हॉट वाटर होता है, यहाँ पर आपका स्टीम होता है। क्लियर है? नाउ अगर थर्ड पॉइंट देखेंगे, बोथ डिकम्पोज विथ N2, थर्ड पॉइंट, बोथ सॉरी डिकम्पोज नहीं, यहां पर कंबाइन आएगा, कंबाइन विथ N2 ऑन हीटिंग। दोनों के देखो लिथियम आपका N2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, सिमिलर Mg आपका N2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा बताओ बेटा? दोनों रिएक्शन आपको लिखा चुका हूं, बताओ जल्दी से, तब तक मैं दूसरा पॉइंट रेडी करता हूं। बोथ कंबाइन विथ कार्बन, क्या बनेगा बेटा फर्स्ट टू अबव टू रिएक्शन में? बोथ कंबाइन विथ कार्बन ऑन हीटिंग, इस रिएक्शन में बनने वाला बेटा यहाँ पर Li3 एंड यहाँ पर Mg3 N2, ये बनेगा ना। नाउ अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करा दूं क्या बनता बेटा कंपाउंड बताओ? NH3 बनेगा कि नहीं? अच्छा क्यों भूल जाते हो रोज रोज? डेफिनेटली यहाँ पर 99% लोगों को नहीं आइडिया रहता है कि NH3 क्यों बना, कैसे बना। मैं बता रहा हूँ, मैं डेली लास्ट 3 डेज से बता रहा हूँ, मैं लास्ट 3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि जब भी कोई नाइट्राइड या आयड टाइप का वर्ड आता है उससे रिएक्शन कराते हैं वाटर की, तो आपका रिस्पेक्टिव गैस बनता है। बट फिर भी आप लोग को, आप लोग गलतियां करोगे एग्जाम में, मुझे पता है। हाँ, कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या फॉर्म होता है बेटा? चलो मैं लिथियम है आपका, कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पर आपका कंपाउंड फॉर्म होने वाला लिथियम कार्बाइड, जिसको हम Li2C2 से लिखते हैं, ओके? सिमिलरली मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पर आपका, कार्बन का रिएक्शन कराने पर ये फॉर्म होता है Mg C2, कार्बाइड फॉर्म होगा, ओके? नाउ ये कार्बाइड फिर से आया बेटा, आइड है ना यहाँ पर वर्ड, कार्बाइड आइड है ना। नाउ फिर से आपको बता देना यहाँ पर
वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, C2H2 गैस। यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो C2H2 गैस। हाँ, कार्बाइड के केस में ये जरूरी नहीं कि C2H2 बने, हो सकता दूसरा कंपाउंड ही बनेगा, बट कार्बन की ही गैस बनेगी कोई, ये याद रखना। ओके, C2H2 गैस का नाम लिख लेना, क्या होगा नाम यहाँ पर लिख लोगे, इसका नाम क्या होता बेटा, नाम बताओ ना C2H2 का। मीथेन, इथिन, इथिन। क्या बात करते हो, इथिन होगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसका नाम बताओ। इथाइल, मार्केट में इस नाम से जानते हैं बेटा, एसिटिलीन, ज्यादा याद रखो। IUPAC नाम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का याद रखना है, नॉर्मल जो आपके कंपाउंड है उनको नॉर्मल नेम से याद रखो, इसका नाम होता है एसिटिलीन। ओके, हाँ इथाइन आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इथाइन भी सही है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, बोथ फॉर्म बोथ फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड समझते हो, एंड दीज ऑक्साइड आर लेस सॉल्युबल, समझे। पॉइंट क्लियर ना, चलो हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं हम लोग। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर वीक बेस एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बाकी हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं करते हैं, ऑलरेडी यहां पर लिखाया हुआ मैंने, बाकी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हैं, दिख रहा ना ये, अदर मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट डिकम्पोज। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन आ जाएंगे, एक तो ये रिएक्शन, दूसरा ये रिएक्शन, समझे। यहाँ पर सेम रिएक्शन लिख लो आप, लाइक LiOH, Li2 है आपका, प्लस वाटर है यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस, MgO प्लस H2O, क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होते हैं बेटा, किस तरीके से डिकम्पोज होते हैं बता दो आप। बोलो बेटा, कार्बोनेट किस तरीके से डिकम्पोज होते हैं, Li2O प्लस CO2, सेम यहां पर MgO प्लस CO2, क्लियर है। अगर मैं बात करूं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट किस तरीके से डिकम्पोज होते हैं बोलो। देखो इनऑर्गेनिक इट्स ऑल अबाउट, याद करना होगा ये नाइट्रेट वाली और कार्बोनेट वाली कितनी बार रिएक्शन हो चुकी, एटलीस्ट 3 times तो हो चुकी ना, हो गई कि नहीं बेटा। ये इस तरीके से डिकम्पोज होती है, मैंने बताया आपका NO2 प्लस आपका
ये बताए ना, जिसको याद रहेगा बेटा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना वो याद कर ले जाएगा, जिसको नहीं रहेगा वो देखता ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कहेगा सर बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं हो पा रहा याद। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको 2 क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी डेल इक्वेशन, बोथ आर डेल इक्वेशन जानते बेटा, डेल इक्वेशन है क्या होता बेटा? सर पता नहीं, वाटर को होल्ड करने की प्रॉपर्टीज, लाइक लिथियम आपका LiCl होता है ना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रखता है ना ये वाटर मॉलिक्यूल, सेम टू सेम आपका MgCl रहेगा, आपका MgCl2 रहेगा, यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ये होल्ड करके रख पाएगा। बट कभी आप NaCl.something H2O नहीं देखोगे, ये आपको मिलेगा नहीं, KCl.something H2O नहीं मिलेगा, समझे? तो ये होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। क्लियर है बेटा, समझे कि नहीं? ये होता है डेल इक्वेशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ डू नॉट एग्जिस्ट इन, किसमें नहीं एग्जिस्ट करते बेटा? सॉलिड स्टेट, समझे ना? एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन ओनली, बताया कि नहीं बताया मैंने बाइकार्बोनेट के बारे में बेटा? हाँ सर। यस, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, ये तो आपका हार्डनेस है, घुली हुई रहती है पानी में, आप देख नहीं सकते, समझे कि नहीं? LiCl MgCl2 सॉल्युबल इन एथिनॉल, एथिनॉल क्या है बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एथिनॉल जानते हैं ना बेटा क्या है एथिनॉल? हाँ सर। एल्कोहल ड्रिंक जो नॉर्मली दुकानों में मिलता है, उसमें आपका LiCl MgCl2 सॉल्युबल होगा, वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, लिथियम की वो प्रॉपर्टीज जो अदर एल्कली मेटल के साथ मैच नहीं करती हैं, और लिथियम की वो प्रॉपर्टीज जो आपकी मैग्नीशियम के साथ मैच करती हैं, समझे बेटा? ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करना है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, और जेई के लिए तो बोल सकता हूँ मैं, एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा, समझे? ये आपको पढ़ना है, क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, मींस सोडियम के कंपाउंड, लाइक आपका सोडियम है, NaCl है, NaNO3 है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ये सारे हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। अभी तक के लिए यहाँ पर इतना ओके है। If anybody have any doubts, let me know in the chat box. जो भी doubt होता है मुझे बताओ, WhatsApp में बताओ, okay? या जिसको अभी इस lecture में कुछ doubt है तो वो अभी रुक सकता है, otherwise you can leave now, okay? Lecture is over. Bye bye everyone. Thank you. Bye sir. Bye sir. Bye bye.